run wire. Today what we'll be doing is central ideas of all poems. Sari apan jitni bhi poems hai aapke class 12th MP board ke jo syllabus mein special English ke apan wo cover karenge. Ye part 1 hai, iske andar main 3 poem cover karne wala hu. Pehli hai apni invocation, second rahegi miss TS Pushpa wali and third will be the Causirana. So let's get started the central idea. Ultimately it is going to help you in answer writing only. If I'll cover all these poems, there must be one question will be asked from that. If a single question come from a 3-minute video, it worthwhile. So let's get started guys. So sabse pehle invocation ki baat karte hain. Invocation जो poem, invocation का मतलब होता है pray, या तो greet करना या तो pray करना, या अपन किसी चीज को arouse करते हैं, मतलब किसी चीज को बुलाना. It is a kind of like calling someone. Invocation is a verse from hymns from the Vedas. Invocation क्या है, एक तरह से एक verse निकाली गई है अपन ने वेद से, जो क्या करती है, जो inculcate करती है. Inculcate मतलब instill करती है आप में, instill मतलब आप में cultivate करती है. अगर ये बार बार ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद रह जाओ, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखते हो की पॉइंट से बहुत फ़र्क पड़ता है. जब भी कोई चेकल चेक करेगा तो वो पूरा आंसर नहीं चेक करता, वो सिर्फ की पॉइंट्स देखता है. तो अपन कहाँ थे, इनकलकेट्स. तो इनकलकेट्स कल्टिवेट करते हैं आप में एथिक्स, कल्टिवेट करती है कलेक्टिव थिंकिंग के, म्यूचुअल लव के, अंडरस्टैंडिंग के. इट इन्वोकेट्स, ये आप में जगाती है. क्या जगाती है, टू यूनाइट, सब लोगों के साथ मिलो, म्यूचुअल कॉपरेशन जगाती है. जिसको अपन नहीं जानते उनके साथ भी कॉपरेशन जगाती है, जैसे स्ट्रेंजर्स से अपन मिले. ये यूनिटी ऑफ हार्ट्स की बात करती है, मतलब सब लोग मिलजुल कर रहें, दिस काइंड ऑफ थिंग. अपन सब साथ में अपने को ये इस दुनिया को एक बैटल लैंड नहीं बनाना है अपने को. अपन बैटल्स नहीं करने के लिए आए, अपन यहाँ पे आए जो भी इशू है अपन उसको पीसफुली रिजॉल्व करें. पीसफुली मतलब शांत तरीके से उसको रिजॉल्व करें, तभी अपन इस दुनिया में कुछ अच्छा कर पाएंगे. दैट्स अबाउट इन्वोकेशन. Let's change it. Now second, goodbye party for Miss Pushpa TS. So आप सबको पता है पुष्पा कैसी थी. पुष्पा was very loving kind of female lady. So loving kind of female lady. What kind of wording I'm using? Okay, it happens. पोएम डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस पुष्पा ड्यूरिंग अ फेयरवेल पार्टी. ये जो पोएम है मिस पुष्पा की फेयरवेल पार्टी की, वो डिपार्ट करी, मतलब वो जा रही है दो तीन दिन में कहाँ फॉरेन जा रही है. पोइट एंड हिज फ्रेंड्स हैव मेट टुगेदर टू विश हर हैप्पी जर्नी. पोइट जो है, जो इस पोएम का पोइट है, वो उसके फ्रेंड्स के साथ में उसको मीट करने के, उसको ग्रीट करने के लिए गए कि टू हैव अ गुड जर्नी, टू हैव स्प्लेंडेड जर्नी. सो पोइट डिस्क्राइब्स मिस पुष्पा को किस तरह से डिस्क्राइब करता है. शी इज़ एक्सट्रीमली इंटरनली एंड एक्सटर्नली स्वीट. ऐसा होता है कुछ लोग सिर्फ अंदर से स्वीट होते हैं, या तो कुछ लोग बाहर से, तो मतलब मिस पुष्पा अंदर से भी और बाहर से भी स्वीट है. वो हमेशा हंसती रहती है, हमेशा कुछ करने के लिए आतुर रहती हैं. शी इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर एनीवन आस्क्स हर टू डू. मतलब आप उसको कुछ ही बोलो, आपके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा प्रेजेंट रहेगी. शी बिलोंग्स टू हाई क्लास फैमिली. वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. उसके फादर एडवोकेट हैं सूरत के अंदर. एंड शी इज़ लिविंग फॉर फॉरन फॉर इम्प्रूविंग प्रॉस्पेक्ट. सो मतलब कुछ आगे फ्यूचर में कुछ अच्छे प्रॉस्पेक्ट के लिए वो लीव कर रही है फॉरन के लिए. दैट सेकेंड. दैन थर्ड, Causirana ट्री. पोएम में Causirana ट्री को एक तरह से उसका, अब पोएट ने अपना Causirana ट्री को अपना एक साथी बताया है, कि उसने अपने जीवन की हर एक चीज़ Causirana ट्री के साथ में शेयर करी है. वो कैसे सांप की तरह बढ़ रहा है, पाइथन की तरह, मतलब ऐसे पाइथन जब बैठता है तो ऐसे इकट्ठा होते जाता है, तो सांप की तरह वो बढ़ रहा है राउंड एंड राउंड. एंड बर्ड्स उसके ऊपर आती है, बर्ड्स बीज गैदर्स होती हैं, अपनी आवाज़ें निकालती. इट्स लाइक अ स्वीट सॉन्ग, बिकॉज नेचर में जो चीज़ होती है, इट्स लाइक अ स्वीट सॉन्ग. यूज़ टू रेस्ट अंडर इट्स शेड, उसके शेड में वो रहा है. एट डॉन मोस्टली इन विंटर ग्रे बबून इज़ वॉचिंग सनराइज. मतलब उसने अपने जीवन के सबसे बढ़िया साल उसके साथ में व्यतीत करे हैं. कुकूज हेल्ड, कुकूज ने अपनी आवाज़, कुकूज की आवाज़ें आती थी. उसकी बहुत सारी मेमोरी अटैच्ड है उस ट्री से. तो उसने अपने जब थ्री रिमाइंड सर ऑफ लॉस्ट ऑफ ब्रदर, जब उसने अपने ब्रदर को खोया था, एंड उसको वो भी याद है उस ट्री से, वो सब चीज़ें उसको याद दिलाता है. द ट्री शेयर हर मॉर्निंग. ट्री उसके दुख उसके सुख का साथी था. शी हैज़ ऑनर एंड लव फॉर द ट्री. उस पोइट का
पोइट का लव है उस ट्री के प्रति। हमेशा पोइट ये प्रे करता है कि वो इमॉर्टल रहे, इमॉर्टलिटी रहे, मतलब वो हमेशा जीवित रहे, क्योंकि उसको पता है, लेकिन उसको ये पता है कि किसी नश्वर है, ये ट्री भी नश्वर है, ये किसी ना किसी दिन पैरिश हो जाएगा, किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा कोशिश कर रही है कि काश मेरा लव उसे बचा के रखे उस ऑब्लिवियन कर्स से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लर्न वन, एंड प्लीज़ लेट अस नो व्हाट वी एल्स कैन डू फॉर यू।